नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड ऑफ ट्रेन सेंट्रल फ्रीक में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन क्या होता है। दोस्तों, हमारे देश में कई तरह के रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि जंक्शन, सेंट्रल, रोड, पैसेंजर हॉल्ट, हॉल्ट्स, और उन्हीं में से एक टाइप है कैंट या कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन क्या होते हैं, किस लिए होते हैं और बाकी स्टेशनों से क्यों अलग हैं ये स्टेशन। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने किया था और इनका नामकरण भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया गया है। कुछ रेलवे स्टेशन का नाम एक स्पेशल पर्पस या किसी कारण से रखा जाता है, जिसमें कैंटोनमेंट स्टेशन भी मौजूद है। दोस्तों, कैंटोनमेंट का मतलब मिलिट्री या आर्मी एरिया होता है और ये बहुत बड़े आर्मी एरिया को रिप्रेजेंट करती है। ब्रिटिश टाइम पे बहुत सारे जगह ऐसे थे जहाँ पे मिलिट्री का कैंप रहा करता था, उसी के इंडिकेशन के लिए वहाँ के रेलवे स्टेशन के नाम के आगे कैंटोनमेंट जोड़ दिया गया, जहाँ ट्रेनों का लिमिटेड स्टॉपेज होता था। एग्जाम्पल के लिए हमारे देश में कई सारे कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन हैं, उन्हीं में से कुछ हैं दिल्ली कैंट, बेंगलोर कैंट, आगरा कैंट और भी कई सारे। अब बात करते हैं कि ये दूसरे स्टेशन से किस प्रकार अलग हैं। कैंटोनमेंट और दूसरे रेलवे स्टेशन में ये फ़र्क होता है कि वहाँ पे सिचुएटेड मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस है। जहाँ पे भी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन होंगे वहाँ पे मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होंगे। मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस को हम लोग MCO भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। MCO ऐसी जगह होती है जहाँ पे सैनिक ड्यूटी के लिए आते जाते रहते हैं, और एक तरीके से हम इसको आर्मी पोस्ट भी कह सकते हैं, और यहीं पर आर्मी ट्रेन्स की भी रिपोर्टिंग भी की जाती है। कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन एक तरीके से पैसेंजर्स के साथ साथ ज़्यादा सर्विस आर्मी और कैंटोनमेंट एरिया को प्रोवाइड करता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ आपको कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा।